कांग्रेस में टिकट को लेकर बगावत बढ़ती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पर विदिशा के कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया का पुतला दहन कर दिया। वार्ड नंबर 18 से संतोष कुशवाहा का टिकट कटने का विरोध करने विदिशा से बस लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल प्रदेश कार्यालय पहुंचे और विदिशा में मूल कांग्रेसियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। ये हमारे विदिशा नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, उसमें वार्ड नंबर 18 है। हमारे वार्ड नंबर 18 से नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी फॉर्मेट में संतोष कुशवाहा जी का टिकट फाइनल होकर लिस्ट आई थी। इधर देखो सामने फाइनल होकर लिस्ट यहाँ आई थी। पीसीसी में जब फाइनल टाइपिंग हुई तो जेपी धनोपिया जी द्वारा संतोष कुशवाहा का नाम काटकर अन्य किसी व्यक्ति का नाम दे दिया है। जेपी धनोपिया जी को यह मालूम नहीं है कि बाट की स्थिति क्या है। जब बाट के हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने जब उनसे बात करी कि जेपी धनोपिया जी ये आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से, जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जो हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है उसकी भाषा ऐसी होगी। हमारे 70 साल के आदरणीय देवेंद्र श्रीवास्तव जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस के जिले में माने जाते, उनसे बड़ी बदतमीजी से बात करी कि ले साहब मैं एक टिकट हारने के लिए दे रहा हूं और हम विदिशा को कांग्रेस में गिनते ही नहीं है। ये इस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। हम लोग सब सामूहिक रूप से माननीय कमलनाथ जी से मिलने आए और कल जाकर हम बैठक करके सामूहिक रूप से हम सब कांग्रेस परिवार से इस्तीफा देंगे।